नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ मज़े में होंगे। मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त और आज मैं कहानियों की रंगीन दुनिया से आपके लिए एक चिड़िया की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चार्वी। चार्वी को ऊंचे आसमान में पंख फैलाकर उड़ना बहुत पसंद था। गर्मी का मौसम था, चार्वी उड़ते उड़ते थक गई थी तो चार्वी ने एक तालाब ढूंढा और पानी पीने उसके पास चली गई। पानी पीते पीते उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी परंतु पंख गीले हो जाने के कारण बाहर ना निकल सकी। उसने मदद के लिए खूब आवाज़ लगाई लेकिन कोई नहीं आया। तभी वहाँ से एक बिल्ली गुजर रही थी। उसने देखा चिड़िया मुसीबत में है। वह उसके पास गई और बोली, क्यों आवाज़ लगा रही हो चिड़िया? तब चिड़िया बोली, मुझे तैरना नहीं आता, तुम मुझे बाहर निकाल दो, बदले में जो चाहे मांग लेना। तो चालाक बिल्ली बोली, एक शर्त पर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, जब तुम बाहर आओगी मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। चार्वी चिड़िया ने सोचा, अरे पहले बाहर तो निकलूं, फिर बिल्ली को जैसे तैसे चकमा देकर उड़ जाऊंगी। बिल्ली ने जैसे ही चार्वी को बाहर निकाला वह बोली, बहन पहले मुझे सूखने तो दे, नहीं तो मेरे गीले पंख तेरे मुंह में चिपक जाएंगे। बिल्ली को चार्वी की बात सही लगी। उसने मुंह में उसे उठाया और धूप में लेकर चली गई, फिर उसके सूखने का इंतजार करने लगी। चार्वी जैसे ही थोड़ा सूखी, मौका देखते ही वह ऊंचे आसमान में फुर हो गई। बिल्ली की पहुंच से बहुत दूर, बहुत दूर। बेचारी बिल्ली निराश होकर अपने घर चली गई और चार्वी फिर उड़ चली अपनी नई उड़ान की ओर। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ना कि चार्वी ने अपनी सूझबूझ से अपने आप को कैसे बचाया? तो अब आप भी बताओ कि आपने कब कब अपनी सूझबूझ से खुद को या अपने दोस्तों को बचाया है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए कहानी दोस्त का आप सबको नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलेंगे।